अच्छा, एक इसी तरह सवाल है कि मेरा बेटा समझदार है लेकिन इसे लेसन याद नहीं होता। देखिए, याद करवाने के लिए अगर आपने एक ही टेक्निक रखी है तो फिर तो नहीं याद होगा। कई बच्चों को याद इस तरह होता है कि उनको दो तीन दफा लिखवा लें, कई बच्चों को याद इस तरह होता है कि चलते फिरते उनसे सुन लें, कई बच्चों को याद इस तरह होता है कि उनको कोई फॉर्मूला बना के दे दें, लिंक्स समझा दें एक जुमले का दूसरे जुमले से क्या लिंक है, कोई उसके लिए विजुअल एड बना के उनको दिखा दें, कोई उनको कई दफा प्रोजेक्ट जो है वो पूरा बना के दिखा दें, तो उससे उनको फिर याद होना शुरू हो जाता है। मुझे याद है एक दफा एक स्कूल में सोशल पाकिस्तान स्टडीज की जो टीचर थी या ज्योग्राफी की टीचर थी बेसिकली, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम बहुत सारे डिफरेंट किस्म के जो दुनिया में फॉरेस्ट एग्जिस्ट करते हैं हम उसके बारे में बच्चों को बताते हैं, और मुझे ये लगता है कि बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आती, हमेशा बच्चे इसमें स्कोर नहीं कर पाते। तो मैंने उनको आइडिया दिया कि अगर आप अपनी आर्ट टीचर के साथ मिलकर ये करें कि बच्चों को मॉडल बनवा लें, यानी अगर तीन आपके जो हैं सेक्शंस हैं तो हर सेक्शन एक एक फॉरेस्ट ले ले और उसकी कैसी प्लांटेशन है, उसकी क्या हैबिटेट है और वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स हैं उसके मुताबिक पूरा एक बड़ा सा मॉडल बनाएं और वो फिर डिस्प्ले करें और एक दूसरे को एक्सप्लेन करें। और आपको पता है कि वो उन टीचर ने बाद में मुझे ये फीडबैक दिया, वो कहती हैं कि जब इस दफा हमारे एग्जाम हुए तो मुझे प्रिंसिपल ने बुला के कहा कि आपकी इस दफा कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ और आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ। तो कहती है फिर हमने उनको बताया, शेयर किया कि हमने इस तरह मॉडल्स बनवाए थे। तो थोड़ी सी इंटेलिजेंस जो है ना आपको इस्तेमाल करनी होगी कि बच्चों को फिर हम कैसे पढ़ाएं।